कम जी अमर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है ये लीजिए, अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए और बेटियों के लिए आज मैं लेके आई हूँ फेशियल। फेशियल है जी विद ट्रीटमेंट, और ये है 3 सीरियल का फेशियल है। सबसे पहले टीन एज, उसके बाद मिड एज, उसके बाद ओल्ड एज। ठीक है जी, तो मेरी बात आप नोट करें, आपको 3 सीरियल में ये देखने पड़ेंगे फेशियल, क्योंकि ये फेशियल थोड़ा सा लंबा तरीके का है, इसलिए इसमें मैं साथ साथ ट्रीटमेंट भी बता रही हूँ, खाली फेशियल नहीं बता रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगी अपनी टीनेज बहनों का, बेटियों का, क्योंकि उन्होंने जाना होता है जॉब पे, उनको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है हमसे भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो मेरी बेटियाँ टीनेज हैं ना, जॉब वाली, यानी कि देखिए इसमें टीचर भी आ जाती हैं, इसमें नर्सिंग भी आ जाती हैं, इनमें डॉक्टर भी आ जाती हैं, इसमें बहुत सारी मेरी बेटियाँ आती हैं, तो उनके लिए तो सबसे पहले जो टीनेज की, उनको तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ 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 आपने फेशियल नहीं करवाना। ये फेशियल अभी आपके लिए नहीं है, इसलिए आपके लिए अभी जो 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले आपने क्लिनजिंग बिला नागा करनी है, उसमें नो नागा। ठीक है, और उसके बाद आपने अल्लाह भला करे करना है क्लिनजिंग, उसके साथ मॉइस्चराइज़र तो लाजमी करना है, उसको नम रखना अपनी स्किन को, कभी भी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना। और बाकी रहेगा सन ब्लॉक, वो तो गर्मियों क्या, वो तो सर्दियों को भी लगाना चाहिए, गर्मी सर्दी दोनों की ये पक्का मस्त ये ट्रीटमेंट है कि ये आपने रखना ही रखना। उसके बाद मैं एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ फेशियल से बताती हूँ कि अगर आपके फेस पे बाल हैं, सबसे पहले अगर आप चाह रही कि आपके बाल स्किन पे शाइनिंग हो, देखिए, और गोरा भी हो, और ये दोनों चीज़ें अगर आप चाह रही हैं साथ साथ, तो इसके लिए आपको स्किन से बाल हटाने होंगे। बेशक आप ब्लीच करती हैं, जो भी करती हैं वो करें ना करें, वो इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है टीनेज में। ठीक है, आपने बाल नहीं रहने देने, बेशक उसके लिए वैक्स करें, उसके लिए कोई मेडिसिन लें। जब लड़कियों के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं ना, तब उनके चेहरे पे एक्नी और उनके चेहरे पे बाल आते हैं, ये एक चीज़ आप बल्ले बांध लें, वैसे नहीं आती ये दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप अपना इलाज करवाएं कि अपनी मेडिसिन जो कुछ देर का कोर्स होता है वो करें, अपने हार्मोन सेट करें, फिर उसके बाद आपने बालों जो आ चुके हैं फेस पे वो हटाने हैं। ठीक है, और क्लेंजिंग बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से, कहीं अपने टिश्यू ना तोड़ लेना, अभी से स्किन ना लटका लेना अपनी, 18 साल से लेकर 25 साल की लड़कियों को ये मैं कह रही हूँ कि अभी आपने बिल्कुल भी उस पर ज़बरदस्ती किसी तरह की स्किन पे नहीं करनी, नरम हाथ से आपने बेबी लोशन, कोशिश करें कि आप बेबी शैम्पू बेबी लोशन यूज़ करें करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है, स्किन को नम रखना है, गीले फेस पे आपने जब भी कोई मॉइस्चराइजर करनी स्किन को, तो आपने बेशक कतरा पानी का डाले या मुंह पे छट्टा मार ले पानी का। ऑफिस में भी नमाज पढ़ती होंगी, देखे ना कि अल्लाह को खुश करना भी कितना, उसका तो अपना ही एक हुसन है। ठीक है, वो आप ज़रूर वजू करती होंगी, उसके बाद वजू के बाद ये आपने ज़रूर ऐसे 1-2 दफ़ा स्प्रे कर लेना। ठीक है, ये आपने अपने बैग में रख लेना, कोई लीकेज नहीं इसकी, कोई कुछ नहीं, आपने ये बैग में रख लेना और इसको 5 टाइम आपने कर लेना, ये आपका फ़ायदा ही फ़ायदा, और इंशाल्लाह आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत इनोसेंट लगेगी, और आपकी तालीम नज़र आएगी, आपकी तरबियत नज़र आएगी कि अच्छे घर से और अच्छी तरबियत से और अच्छी माँ की बेटी हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये वीडियो इसलिए दे रही हूँ आपको कि अगली जो वीडियो आ रही है वो उनको बता देना, जो कि आपकी मदर है, ये तो आपके लिए थी। अब अगली जो मैं बनाऊँगी, खैर से फेशियल बता रही हूँ, वो है अगला सीरियल जो आ रहा है, मैंने ये सीरियल वाइज बता दी 3, क्योंकि पहला फेशियल ये यंग एज का था, दूसरा मिड एज का होगा, और तीसरा वही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ओल्ड एज का है। ठीक है, तो अगला फेशियल है मिड एज का, तो आपने अपनी मामा को ज़रूर बताना है कि आपके लिए भी वो अपनी तैयारी भी करें। ठीक है, और उसके बाद बेटे आपने मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखना है। इंशाल्लाह अगला सीरियल आ रहा है आपकी मामा के लिए, तो उनको याद करवाती रहना आपने, मैंने कल ही उसको डाल देना, आज ये वाला आ जाएगा और कल वो आ जाएगा और परसों वो आ जाएगा, मुझे मुसलसल 3 दिन आपको ज़्यादा नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ये आप ज़रूर करके देखें। तो इंशाल्लाह बाकी मैंने जो बताया ना, तो आपको मैं एक बेहतरीन सा छोटा सा टिप दे दूँ कि बजाय आप अगर चाह रही कि आपकी स्किन यानी स्किन पर शाइन हो, शाइन का मैं आपको अपनी बेटी के समझ के, यानी कि अपनी बेटी समझ के मैं एक आपको गिफ्ट करती हूँ,
वो ज़रूर आप करना ना भूलिएगा। तो आए हम चलते हैं ज़रा वॉशरूम में, थोड़ा सा दुपट्टा भी उतारना पड़ेगा। तो ये है जी, मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। जैसे आपने जाना है वॉशरूम में सुबह हाथ मुँह धोने के लिए, आपने जैसे तैयारी की है अपनी सारी, तो ये देखें आपने अपनी टूटी के नीचे मुँह कर लिया। मेरी तो ये पानी की टूटी भी बहुत छोटी सी है, इसके नीचे आपने पानी का छींटा पहले मुँह पर मारा। मारने के बाद आपने क्या करना, ये आपने टूटी के नीचे मुँह करके ना ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, ये है जैसे हम कहते हैं ना फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी नहीं, ये वाटर थेरेपी है। ये जितने भी चाइनीज चीनी ये लोग हैं ना, ये थेरेपी करते हैं वाटर थेरेपी। अगर आप इस तरह शाइन लाना चाह रही हैं, ठीक है, ये आपने करना नहीं बोलना, ये आपकी एज के लिए बेटी, हाँ ये मामा के लिए नहीं है, आपकी एज के लिए। तो ये आपने लाजमी करना। एक तो आप ये सारा आप ऐसे 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 इसको थेरेपी करना, ठीक है, सारा माथे पे इधर 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 सारी, मुँह बंद कर ले, आप हवा भर ले मुँह, ये आपने लाजमी करना। इससे तब पता क्या होगा, आपकी स्किन अंदर तक नम होगी, ठीक है। दूसरा ये कि इस पर आपकी एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ मैंने जो बताई है आपको, ये शायद मेरा मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। तो ये करके देखना इंशाल्लाह, तो जो टीनेज के लिए बेहतरीन एक ट्रीटमेंट है, गिफ्ट है। और खाने में आपने रोटी पेट भर के नहीं खानी, जैसे मैंने पहले बताया है कि पेट भर के रोटी नहीं खानी, आपने सैलड ज़्यादा लेना है, आपने पानी ज़्यादा लेना है, आपने लिक्विड ज़्यादा लेना है, यानी कि सूप वगैरह, यानी कि चाय कम से कम लेनी है। उसके बाद आप जूस जितना मर्जी ले सकते, जिस चीज़ का भी जूस लें, ठीक है। आप उसके अलावा भी बना सकते, घर में बड़ी अच्छी अच्छी वो बनती हैं, जैसे मिक्स करके खीरा मिक्स कर लिया, चिकंदर मिक्स कर लिया, लेमन थोड़ा सा डाल लिया, उसमें एक गाजर भी डाल ली, एक स्मूदी बना के उसको ग्राइंड करके वो पीजिए, इंशाल्लाह आपकी स्किन मुंह से बोलेगी, आप प्यारी प्यारी बेटी हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर कल वाली वीडियो में, कल मामा को देखना, याद करवा देना आप, ठीक है। तो आप अपने कमेंट में मुझे दुआओं में याद रखना, कमेंट ज़रूर किया करें, मेरा गिफ्ट मुझे भी दें जैसे मैं आपको गिफ्ट देती हूँ। तो सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना और बेल पे भी हाथ अंगूठा एक छोटा सा लगा देना, ठीक है। तो प्यारा सा बेबी, फी मान अल्लाह हाफिज़।